श्रीदेवी सिन्हा भोजपुरी की वो खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्में आज भी दर्शक बहुत मिस करते हैं। स्मृति सिन्हा भले ही आजकल भोजपुरी रुपहले पर्दे से गायब हैं, लेकिन उनके बारे में आज भी उनके फैंस जानना चाहते हैं। स्मृति सिन्हा इन दिनों कहाँ है और क्या कर रही है, ये सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उनके बारे में, उनके फिल्मी सफर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ये हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो स्मृति के बारे में पता नहीं है। स्मृति मूलतः बिहार की है। बिहार से मुंबई वो आई थी पढ़ाई के लिए, पर वो कहते हैं ना कि तकदीर आपको अपने मंजिल की तरफ खींच ही लाती है। ठीक उसी तरह स्मृति को पहला ब्रेक बिना स्ट्रगल किए भोजपुरी सिनेमा में मिला। उनकी पहली मूवी थी रंगीला बाबू और फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर थे बाली। भले ही फिल्म चली न हो, लेकिन पहले ही फिल्म से स्मृति ने भोजपुरिया दर्शकों के दिल पे अपनी छाप छोड़ दी थी। स्मृति को असली पहचान भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म और स्मृति की चौथी फिल्म से मिली, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की साजन चले ससुराल पहली मूवी थी तो स्मृति की वो चौथी मूवी थी। इस मूवी से जहां रातों रात खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बने, वहीं दूसरी तरफ स्मृति को भी दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया, दुलार दिया और भोजपुरिया की सुपर एक्ट्रेसेस मिलाकर खड़ा कर दिया। वैसे स्मृति की जोड़ी निरहुआ और पवन सिंह के साथ भी पसंद की गई, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें खेसारी लाल यादव के साथ ही पसंद किया गया। खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल 2 और फिल्म बंधन सुपर डुपर हिट रही। फिल्म बंधन में तो इनकी एक्टिंग की तारीफ जमकर हुई और दर्शकों ने भी फिल्म बंधन को स्मृति की बेस्ट फिल्म में से एक करार दिया। अब चलिए बताते हैं कि इन दिनों स्मृति है कहाँ, वो अचानक से भोजपुरिया पर्दे से गायब कहाँ हो गई। ये भोजपुरिया की सुपरस्टार, यानी कि आप इन्हें सुपरस्टार जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो करोड़ों दिलों पे राज करता है वो स्टार तो नहीं हो सकता, वो सुपरस्टार ही हो सकता है। वैसे स्मृति की कातिलाना हंसी को आज भी लोग बहुत मिस करते हैं। खैर, हम बातों के बहाव को इधर उधर न ले जाते हुए आपको बताते हैं कि स्मृति ने दिल्ली के एक बिहारी बिजनेसमैन से शादी कर ली है और शादी करके वो वहाँ सेटल हो गई है। शादी के बाद स्मृति अपने शादीशुदा जीवन को बहुत एंजॉय कर रही है। साथ ही उन्होंने मन बना लिया है कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी, अपने पति के बिजनेस में ही उनका हाथ बटाएंगी। वैसे स्मृति ने अपने माता पिता की सहमति से उन्होंने लव कम अरेंज मैरिज की और अपने पति के साथ दिल्ली में वो सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं स्मृति के साथ है, पर भोजपुरिया दर्शकों के साथ साथ हम भी चाहेंगे कि स्मृति जल्द से जल्द भोजपुरिया पर्दे पर किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ वापसी करें। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही हमारे भोजपुरी के नए चैनल श्री डिजिटल मीडिया को भी आप अपना उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारे इस चैनल को दिया है। हमारे नए चैनल श्री डिजिटल मीडिया को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।